मोहनपुरा गांव में ना बिजली ना प्रधानमंत्री आवास, कैसे हो गुजारा। मूलभूत सुविधाओं और विकास से कोसों दूर है ग्राम पंचायत भिलाई का मोहनपुरा गांव। देश की आजादी के 73 वर्ष बाद भी गांव में नहीं पहुंची बिजली। गांव में नहीं आता कोई जनप्रतिनिधि, ग्रामीण। जी हां, क्षेत्र में एक गांव मोहनपुरा ग्राम पंचायत भिलाई ऐसा भी है जहां देश की आजादी को 73 वर्ष होने के बाद भी अब तक गांव में बिजली नहीं पहुंची। गांव के लोगों को नहीं पता कि बिजली कैसी होती है। इस गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास तक स्वीकृत नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है, बस चुनाव के समय हमसे वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। आंगनवाड़ी भी नहीं है, बच्चों को दूसरे गांव जाकर सामग्री लेनी होती है। इस बात से एक बात जरूर साबित होती है कि सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में आज भी सरकार विकास नहीं कर पाई है। वो बात अलग है कि विकास कागजों में हुआ हो, लेकिन इसे मूल रूप नहीं दिया गया है। इंडिया खबर लाइव के लिए मध्य प्रदेश गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। तो मन केरा भाई, केरा भाई निवासी हो मन पर आ तो यह है कुछ समस्या ना ना लाट है ना कुटी है ना आंगनबाड़ी को कछु मिले मन मोड़ी ने बोचो। तो फिर कैसे रहते तुम लोग यहाँ पे? अभी नहीं रहते, 18 साल हो गए। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 18 साल। सरपंच से बोला आपने? हाँ खूब बोला। क्या बोलता है सरपंच? हम तो शिकायत करते हैं, कोई आते नहीं है तो हम क्या करें। वोट डालती हो? हाँ। तो नेता लोग क्या कहते हैं आपसे? नेता लोग जहाँ आता ही नंजे। अच्छा साहब, जहाँ न बिजली है न कुटी सन है साहब। अच्छा, सब परेशानी है, सुंदर परेशानी है साहब। कुटी नहीं मिली यहाँ पे किसी को भी? और कितने साल से निवास कर रहे हो? 18 साल हो गए। लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है। बिना लाइट के कैसे रहते हैं आप लोग? क्या करें सरपंच साहब, बंद के हम का रहवा दे